देखिए हमारे साथ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश जी हैं, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, विहिप भी आप जारी करती हैं, और कल आप ही के लोग कुछ चले गए। और मैम थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा कि जो संसदीय की कल के कामकाज हुआ आपके संसदीय का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो कितना सही है। नंबर टू, जो सवाल उठ रहे हैं विनियोग को लेकर, उस पर आखिर समस्या कहाँ है? देखिए कहीं समस्या नहीं है, आप लोग भी दो दिन से सभी कवर कर रहे थे, विभागवार बजट चल रहे थे, विभागवार बजट संबंधित मंत्री दे रहे थे और ध्वनिमत से पास हो रहे थे। यही परंपरा रही क्योंकि इतनी कम संख्या है जिसमें आवश्यकता ही नहीं हुई थी कोई है। अब हरक सिंह रावत ने स्वयं अपने विभाग के दो या तीन प्रस्तुत किए प्रस्ताव और वो भी ध्वनिमत से पारित हो गए। यदि कोई बात उनके मन में होती तो उसके विपरीत बोलते। उन्होंने खूब सरकार की प्रशंसा की, खूब काम बताए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे, तो हम कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते थे कि जब सरकार की प्रशंसा में वो बोल रहे हैं, विभाग की प्रशंसा में बोल रहे हैं और अपना बजट, विभागीय बजट पास करा रहे हैं, तो कोई हमें न भ्रम था न शक था। अब जब सभी विभागीय मत पार हो गए उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होना था, विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया गया, विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। और जो परंपरा है हमारे स्पीकर साहब, अब हम उठते हैं अगले चरण के लिए, तारीख शायद 28 अप्रैल बोली, अब हम उठते हैं और चले गए वो। उसके बाद हमारे जो भाजपा के विधायक थे वो अपने विधायक की गिरफ्तारी को लेकर गुस्से में आए और कोई कहता है मेज पटक दी, क्योंकि हम नहीं थे वहां तो हम खुद बाहर आ गए थे। और उसके बाद फिर उनके साथ ये विधायक भी सब आए और कांग्रेस के विरोध में नारे लगने लगे और भाजपा के समर्थन में उनके नारे हुए। और वहीं एक माननीय सदस्य ने नैथानी जी को कुर्ता खींचा और मारपीट भी की, तो इस प्रकार खींच और मारपीट हुई। अब स्वाभाविक है हम तो उसके बाद उठकर चले गए थे। और उसके बाद ये सारा हुआ घटनाक्रम, फिर एक बस में बैठे, जो टीवी में आप ही के समाचार प्लस में सबसे ज्यादा न्यूज मिली, ये गवर्नर क्या गए, मैं गवर्नर को ये कहते हुए सुन रही थी अपनी अपनी पार्टी का नाम जरूर लीजिएगा, तो जिनकी जो पार्टी थी उन्होंने नाम लिया, ये नौ थे। जो संवैधानिक स्थिति ये है जिसके लिए पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ पास हो चुके हैं, कोई भी पार्टी से जब कोई जाएगा विधायक तो दो तिहाई बहुमत उसका होना चाहिए, दो तिहाई बहुमत होगा तो वो सदस्य रह सकता है, यदि उससे कम संख्या है तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसके ऊपर लागू हो जाता है। तो उन्होंने ना तो हमको कोई चिट्ठी भेजी, ना कोई बात की, ना सदन के अंदर कांग्रेस के विपक्ष में कोई आवाज उठाई, वो स्वयं ध्वनिमत से पास कराते रहे। सारे जितने कार्रवाई हमारे पास है, जितने भी विभागवार पारित किए गए वो सब ध्वनिमत से हुए, उसमें सभी हमारे साथ थे। अब अचानक उसके बाद इनका जो आक्रोश होगा या पहले से रणनीति होगी, भाजपा के बड़े नेता यहाँ आए हुए थे, ये अमित शाह से लेकर सबके संपर्क में थे, यहाँ चार्टर्ड प्लेन रुका हुआ था, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के हम शिकार हो रहे हैं, हम लोगों को अंदाज ही नहीं था। धन दौलत लुट रहा था, धन दौलत बट रहा था। हमारे एक विधायक गणेश गोदियाल से कहा कि भाई 5 करोड़ देंगे, उसने कहा तो बहुत कम है, चलो बोलना मत तुम्हें 7 करोड़ दे देंगे। तो भाई इतनी दौलत के लेकर सरकार में है, भारत सरकार में, तो सरकार की पूरी ताकत कांग्रेस की सरकार तोड़ने में लगा दी है मोदी की सरकार ने। अभी एक तोड़ चुके हैं, अब यहां तोड़ रहे हैं, अगली बारी भी हमें मालूम है एक कांग्रेस सरकार की और है। तो मोदी जी अगर सरकारों को तोड़कर वो सत्ता में बैठना चाहते हैं तो सत्ता में भले ही बैठ जाए, लेकिन देश की जनता उन्हें करारा जवाब देगी। 2017 में दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस वापस लौटेगी। मंत्री जी, जो कल कुछ भी हुआ, आप कह रही हैं कि चार्टर्ड प्लेन आ गया, लोग चले गए, आपको पता नहीं लगा, मीडिया गैलरीज में 48 घंटे से चर्चा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्या सरकार भाप नहीं पाई या सरकार भापते हुए कुछ करना नहीं चाहती थी, सरकार चाहती थी ये कुछ करें फिर हम रिएक्ट करें? ऐसा नहीं है, मैं तो मेरे पड़ोस में हरक सिंह बैठते थे, मैंने उनसे कहा उतना क्यों नहीं भाप पाए, हमने कहा आत्महत्या करने पर क्यों तुला है, बार बार पार्टी छोड़ने से अभी तुम्हारी उम्र है, शाख खत्म हो जाती, ऐसा मत करो। मैंने सुबोध उनियाल को बुलाया कि भाई तुम्हारा क्या इरादा है, बोले बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने उसे सेंटेंस बताया जो विजय बहुना ने किसी से कहे थे,
मैंने कहा विजय बाबूना ने तो ये वाक्य कहे तो कैसे सब ठीक है। तो हमने अपनी शंका उन्हें जो लोग मीनिंगफुल थे उन तक दे दी थी, लेकिन अब वो एडामेंट ही थे, चाहे वो धन दौलत का प्रलोभन हो या कोई बहुत बड़ा पद सौंपने का प्रलोभन हो। अभी भाजपा के 5 सांसद तो खुद ही आंखों से तरस रहे हैं, तरसे हुए बैठे। मैं अपने ही सांसद कोश्यारी जी को देख रही थी, जैसे मेरे बड़े गहरे अच्छे रिश्ते हैं, तो वो शायद सबसे ज्यादा उदासीन थे। उनने कहा ये तो और खाने पीने वाले कुछ आ गए, अभी तो महाराज गया था, अब बहुना भी आ गया, तो वो अपना भविष्य सोच रहे थे। तो मैं उनका चेहरा देखकर बार बार मैंने देखा उस हवाई जहाज में उनका चेहरा जो आप ही दिखा रहे थे, तो मुझे लगा भी कि भाई हमारी रियासत थी, कब्जा करने वाले ज्यादा आ गए। तो मैं नहीं जानती अभी कुछ है, कहीं कुछ नहीं होता। हमने जीवन में मुझे 40-41 वर्ष हो गए उत्तर। मंत्री जी सीधे तौर पर एक बात का जवाब और दे दीजिए, अगर वो सदन के बाद इस तरह बीजेपी के साथ मिलके गए, एक और आप कह रहे हैं हम उन्हें बुलाएंगे अगर वो आ जाते हैं, दूसरी तरफ आप एंटी डिफेक्शन लॉ का डर भी दिखा रहे हैं, सीधे तौर पर एक स्टैंड आप यहाँ भी क्यों नहीं ले रहे? देखिए राजनीति में सीधा तौर कुछ नहीं होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्ट्रेटेजी होती है। हमारी सरकार बनी रहे ये भी यानी भगदड़ भी आपका राजनीतिक आगे भविष्य में आपको माइलेज दिलाएगा? नहीं नहीं, नहीं स्ट्रेटेजी ये तो प्रदेश की जनता देख रही है, जिसने कांग्रेस से विधायकों को चुना वो कतई पसंद नहीं करेगी। और मैंने तो जमाना देखा इनके पूज्य पिताजी का, उस समय भी एक सरकार बन रही थी, वो भी आपके द्वारा मैं नोट करा देना चाहती हूँ। उस समय राजमंगल पांडे जी जो उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, कांग्रेस में थे, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो गए थे, और बनारसी दास जी जो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर के सहयोगी थे उनके साथ थे, वो भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। मेरे यहाँ राजमंगल पांडे जी कोई 12-1 बजे आए, कहा भाई मतदान का क्या होगा, बहुना नहीं मान रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बात करती हूँ इनके पिताजी, मैंने उन्हें फोन किया अपने यहाँ से कि भाई राजमंगल जी बहुत दुखी थे और हम लोगों का मन राजमंगल पांडे के साथ है। उन्होंने कहा इंदिरा क्या मैं अपनी राजनीतिक जीवन में सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़ा होऊंगा, जिसने जीवन भर इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई ली, जिसने जीवन भर आरएसएस और बीजेपी से लड़ाई लड़ी, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो मुझे आज कष्ट हो रहा है विजय बाबूना के ऊपर, जिसे मैंने नहीं सोचा था, सबसे ज्यादा अपने पिता के साथ यही रहा, ये अपने उनकी आज आत्मा करा रही होगी। मंत्री जी आखिर ऐसा कुछ तो रहा ही जो बार बार ये सवाल उठते हैं कि हरीश रावत जी वन मैन शो थे, मंत्रियों की सुनी नहीं जाती, आप सब भी अक्सर कभी ना कभी किसी न किसी मन से चिंतित दिखते ही थे, यशपाल आर जी भी चिंतित रहते ही थे कभी ना कभी, आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा। तो कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश से खास बातचीत अभी आप सुन रहे थे। कुछ वातावरण बन चुकी कांग्रेस की आ रही है, ऐसा नहीं हरीश रावत सुनते सबकी थे, लोगों को लगता होगा हमारी मन की नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में ऐसी चूक हो जाती, पर ये इतनी बड़ी चूक नहीं थी, चाहे हम हो या यशपाल आर्य हो या कोई हमारे, इतनी बड़ी चूक नहीं हो कि हम आत्महत्या कर ले। ये आत्महत्या जो हुआ है कल, हमें कष्ट है, हमारे साथी है, आत्महत्या की चूक नहीं करते, सब काम करते हैं लोग पर आत्महत्या भी करते, क्या मिलेगा उन्हें वहां, क्या कोई मुख्यमंत्री बना रहा है? एक टिकट दे देंगे जिसे जनता रिजेक्ट कर देगी, टिकट दे सकते जनता रिजेक्ट कर देगी, आज कह रही हूँ, फिर आप अगली सरकार बनने के बाद मेरा इंटरव्यू तो यानी ऐसा नहीं है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, इस सीमा तक प्रतिशोध खड़ा हो जाता है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रतिशोध की आग कहीं थी, उसने ये रूप धारण किया। मेरे तो पड़ोस में ही हरक सिंह था, मैंने बार बार कहा हरक सिंह आत्महत्या नहीं करते, वो केवल मुस्कुराता था, अब उसने तय कर लिया था। जी प्रीति जी जी, लेकिन यहाँ पर सुदीप जो इंदिरा हृदयेश जी कह रही है, ये हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री वरिष्ठ मंत्री इंदिरा हृदयेश जी हैं, जिन्होंने ठीक है सुदीप, लेकिन ये तो ये मानेंगी ना कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं था, जैसा ये कह रहे हैं कि विधायक को चुनके भेजा तो उनका सम्मान नहीं किया तो जनता नाराज होगी, क्या ये बात इनको उस वक्त याद नहीं आया कि जब विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी नाराजगी थी, जनता ने तो कहीं नाम भी नहीं सुना था और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि हरीश रावत नाराज हो गए, दिल्ली तक में उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तो पार्टी की अपनी भी कमी है, यहां पर सीधे सीधे बीजेपी को दोषारोपित नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रीति आपने, कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हम इंदिरा जी से ही समझ लेते हैं। इंदिरा जी जब इससे पहले जब कांग्रेस सरकार चुनकर आई
तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी नाराजगी का दौर था। अब ये एक दूसरा राजनीति के नाराजगी का दौर आया, तीसरा दौर वो था जब आपदा के बाद वो हटे थे। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जो कभी खास रहते हैं वो एकदम दूर हो जाते हैं? आखिर इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड की दोस्ती और दुश्मनी कैसे बन जाती है? देखिए, ये मैं इसे मानती हूँ, इमेच्योर लोग बनाते हैं। मुझे 40 और 41 साल हो गए हैं, आपकी राय में क्या हमसे लोग नहीं बात करते? सभी राजनीतिक दलों से हम लोगों के संपर्क होते, सब संपर्क ये तय करना पड़ता है हमें जीवन की किस दिशा में जाना है। और हमारा तय है कि जिस दिशा में हम खड़े हैं वहीं रहना है। हानि और लाभ मिले या ना मिले, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं हम भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आत्महत्या नहीं कर सकते। हम तो नहीं करेंगे, राय भी नहीं देंगे। अभी वेस्टेज इंटरेस्ट पे तय होता है। ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि जो कल लोग बागी बनकर गए उन्होंने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन एक बार फिर से उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश कह सकते कर रहे हैं। सीएम कहते हैं कि लौट आए तो मान जाएंगे, और यहाँ पर ये बताए कि उनके लिए कार्रवाई क्या होगी। बात यही समझ में नहीं आ रही है। एक सवाल नोएडा स्टूडियो से फिर आया है आपके लिए इंदिरा जी, कि आखिर जब सीधे तौर पर आपको दिख रहा है वो आपसे बागी हो गए, आप एंटी डिफेक्शन लॉ भी उन्हें दिखा रहे हैं और घर वापसी का आश्वासन भी दे रहे हैं, जिनको लेने जहाज आया था वो अगली फ्लाइट से कैसे आ जाएंगे आपके पास, आपको कितना विश्वास है? देखिए, ऐसा है, राजनीति में स्ट्रेटेजी भी एक काम होता है, लॉ होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे कार्य संचालन नियमावली के लॉ है, पर साथ में स्ट्रेटेजी भी होता है। हर व्यक्ति को आखिरी समय तक ये प्रयास करना चाहिए, किसी भूल चूक में, किसी उत्तेजना में जो चले गए हैं वो आ जाएंगे तो ठीक है, उनका स्वागत किया जाएगा। स्ट्रेटेजी ये भी है कि भूल चूक से चले गए, कोई बेचारा भीड़ के बीच में दबके चला गया, कोई किसी प्रलोभन प्राप्त करके चला गया, तो हमारा प्रयास है और हमारी लोगों से बातचीत हो रही है, हमें भरोसा है कुछ लोग लौट आएंगे। हमने तो कितने लोग संपर्क में हैं इंदिरा जी? बहुत साफ साफ नहीं, देखिए संपर्क क्या सवाल, हर व्यक्ति फोन पे उपलब्ध है। अब कल हवाई जहाज, कुछ लोग आने को तैयार हैं, नाम संख्या बता दीजिए। नहीं, मैं ये गलत बात नहीं बोलूंगी, संपर्क में है, बातचीत किया मैंने एक दो से, ये भी कहा तुम्हें ये पता है तुम्हारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, हमने कहा हमें कष्ट होगा, हमारे साथी रहे हो, हमारे टिकट पर तुम चुनाव लड़े हो, कितनी मुश्किल से तुमने टिकट हासिल किया था, कर हमने बातचीत। अभी कोई कहने की स्थिति में कहा था, अभी तो अमित शाह के हवाई जहाज में बैठे थे, अमित शाह की बस में बैठे थे, लीला होटल में ठहरे हुए हैं, धन दौलत संपन्न सत्ता सबका प्रयोग हो रहा है। तो अब बेचारे सभी इतने मेच्योर थोड़ी होते, लेकिन जो मेच्योर थे उनमें मैं एक बहुगुणा को मानती हूँ और एक हरक सिंह को भी मानती हूँ, पर हरक सिंह बीजेपी से आया था और बहुगुणा जीवन भर कांग्रेस में रहे या अपने पिता के साथ रहे जहां जहां उन्होंने किया, तो मुझे इस पर बहुगुणा जी पर अफसोस हो रहा है और किसी पर नहीं। आज आपने कैबिनेट भी बुला ली है, पीडीएफ आपके साथ खड़ा है, आप खुद इतनी सीनियर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आज की कैबिनेट में 3 एजेंडे भी रखे गए हैं, आज की कैबिनेट बैठक करके क्या सरकार एक संदेश दे रही है कि उसकी सरकार स्टेबल है और उसको कोई खतरा नहीं है, जबकि आपके दो लोग नहीं है? संदेश नहीं दे रहे हैं, बजट है ना, तो बजट है, उसको खर्च भी होना है, जनता तक विकास की बात भी पहुंचानी, आखिर बजट तो जनता के लिए पास हुआ, हमारी कोई भी लड़ाई हो तो, इसलिए तत्काल ये कैबिनेट तो अब महीने में दो दो तीन तीन होंगी, क्योंकि बजट समय से खर्च हो, जो हमें भारत सरकार का हिस्सा मिलना है वो भी खर्च हो, तो इसलिए बजट की दृष्टि से भी हमारी चिंता है, कौन सी ऐसी प्रायोरिटी काम है जो जनता के लिए होने चाहिए, इस दृष्टि से बुलाई गई है। इंदिरा जी के शब्दों में हम समझना चाहेंगे आगे का राजनीतिक जो परिदृश्य होगा उत्तराखंड का, वो आपको किस ओर दिख रहा? देखिए, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, जिसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, दूर दृष्टि से देख भी सकती हूँ, जनता नाराज है, उसे कभी पसंद नहीं आता है कि आप बगावत कर दे, आप विद्रोह कर दे, जनता का तो इस विद्रोह से कोई लेना देना नहीं, इसलिए जनता अगले चुनाव में पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई देगी। तो इस अवसर को जो अवसरवादिता की राजनीति भी कह सकते हैं, जो लोग छोड़ के गए, इंदिरा हृदयेश जी को लगता है कि ये सीधे तौर पर भविष्य में कांग्रेस की राह को प्रशस्त करेगा, और जो वरिष्ठ लोग गए कांग्रेस के, जो इस वक्त दिल्ली में है, लीला होटल में है या भाजपा के आले लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सीधे तौर पर इंदिरा जी ने इसे आत्महत्या करार दिया है। जी प्रीति, सुदीप मैं जाना चाहेंगे, क्योंकि दावा सरकार भी कर रही है तो उधर बीजेपी भी दावा कर रही है कि हमारे पास भी देखिए कि इतनी इतनी संख्या है, और बकायदा राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और इसके अलावा राष्ट्रपति से भी समय मांगा है, तो इन दर्देश से जाना चाहेंगे कि बीजेपी के जो दावे हैं, क्योंकि विधायक उनके साथ नजर आ रहे हैं, तो इंदिरा हृदयेश जो कांग्रेस बात कर रही है तो इनके पास वो नंबर्स कहां से आए?
क्या एक जो विधायक रूठे हैं कुछ चंद घंटों में क्या इतना उनका यहाँ पर मन परिवर्तन हो जाएगा कि वो लौट के आ जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रीति, ये बहुत मौजूद सवाल है जो मैं जरूर पूछूंगा इंदिरा जी से। इंदिरा जी, ये नंबर्स के आधार पर हमें समझा दीजिए कि सरकार कैसे स्टेबल है, और नंबर दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग दिल्ली गए हुए हैं आखिर उनका ऐसा कैसा हृदय परिवर्तन हो गया कि जो आपके संपर्क में आ गए और अब वापस आने को तैयार है? ऐसा है कि नंबर तो साफ है, 70 की कुल विधानसभा है, उसमें से 9 व्यक्ति सदस्यता से बाहर हो जाएंगे। कितने बजे? 61, और हम 42 थे, 42 में से 9 गए तो कितने बचे? बहुमत हमारा स्पष्ट है, तो बहुमत में तो कहीं दिक्कत नहीं, साफ साफ संख्या का खेल है। 70 की कुल विधानसभा है, 70 की विधानसभा में 9 चले गए तो रह गए 61। 61 में हम लोग 61 हैं इस समय, तो उसके हिसाब से स्वाभाविक है उनकी संख्या 27 है और हमारी संख्या 9 निकाल दीजिए 42 में से तो उतनी बची हुई ऑलरेडी बहुमत है, तब भी बहुमत था, आज भी बहुमत है। तो ये जो भगदड़ की स्थिति बनी, तो क्या उन लोगों को नहीं पता था कि इनके पास तो नंबर्स हैं, तो देन व्हाई दे आर मेकिंग इस तरीके का प्रेशर, क्यों हो रहा है? उन्हें पता था, उन्हें अब भी पता है, ये गलत फहमी मत करिए, उन्हें अब भी पता है, उन्हें पता था, उन्हें ये भी मालूम है सदस्यता जाएगी, उन्हें सब बात पता है। मैं ये कह दूं, अब कुछ को तो नहीं पता होगा, जो बेचारे नए नए आए वो तो फंस गए, जो पुराने हैं उन्होंने उन्हें सब जवाब दिखा के फंसा दिया, बाकी तो सबको पता है। अच्छा, सीनियर्स को पता है। अच्छा मंत्री जी, क्या देर रात से लेकर सुबह तक जो आप बता रही हैं कि कुछ लोग बातचीत करके संपर्क में हैं, उनका क्या वास्तव में हृदय परिवर्तन हो गया या आपके द्वारा उनको कोई दिलासा दिया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हृदय परिवर्तन हुआ, हमारे कलीग है, साथी है, मैं तो अभी सबसे बात करूंगी, अब भी करूंगी बात, क्या उसमें क्या हुआ भाई, घर वापसी तो होती रहती है, घर वापसी का हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद। तो ये वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश जी थी जिन्होंने कहा है कि वो घर वापसी का स्वागत करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने दो तरीके से एक संदेश दे दिया इंदिरा हृदयेश जी ने कि नंबर के आधार पे भी वो मजबूत हैं, और दूसरा स्ट्रेटेजिकली भी अब कांग्रेस फ्यूचर की यानी भविष्य की राजनीति में जब हम 2017 के चुनाव में जाएंगे तो और परिपक्व होंगे। प्रीति, बिल्कुल सुदीप, तो अगर लौट के आ जाते हैं घर में विधायक तो भी सरकार बच जाती है, और क्योंकि यहाँ पर जो उनको नोटिस थमा दिया गया है उसके बाद अगर उनकी सदस्यता जाती है तो भी आंकड़े कांग्रेस बता रही कि देखिए हम फिर भी सुरक्षित हैं, तो यानी कि कांग्रेस हर मोर्चे पर यहाँ पर तैयार है। लेकिन बीजेपी जो दावा कर रही है तो यहाँ पर यह भी देखना होगा कि इतना अपरिपक्व ना तो बीजेपी हो सकती, ना ही वो 7-9 विधायक जो यहाँ पर फिलहाल बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त अजीत कंबोज का हम रुख करेंगे, न्यूज सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजीत, अब यहाँ पर क्योंकि कार्रवाई का सिलसिला शुरू होगा, कैबिनेट की बैठक भी होनी, इंदिरा हृदयेश से बातचीत कर रहे थे सुदीप, तो उन्होंने कहा कि अब बजट तो राज्य को देना है तो यहां पर देना होगा, तो इसके अलावा क्या कुछ आज आगे होगा जो न्यू सीएम आवास के बाहर आप खड़े हैं, यहां पर किस तरह की हलचल? देखो प्रीति, अगर न्यू कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री आवास की बात की जाए तो यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत अंदर मौजूद हैं, बैठक लगातार जारी है, करीब आधा घंटा हो चुका है बैठक को शुरू हुए हुए, और अभी जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि 1-to-1 मन टटोला जा रहा है उन विधायकों का जो हरीश रावत के फेवर में खड़े होने की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के विधायकों की बात की जाए चाहे फिर पीडीएफ के विधायकों की बात की जाए, तो जो बातें छनकर बाहर आ रही है, खुलकर कोई नहीं बोलने को तैयार है, लेकिन इतना जरूर निकल के आया है कि 1-to-1 मन टटोला जा रहा है विधायकों का कि किस तरह की बातें होनी है, क्या उनको किसी तरह का प्रलोभन दिया गया है भाजपा की तरफ से, या उनके मन में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है कि आने वाले भविष्य में वो भाजपा का रुख कर सकते हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के वो मौजूद हैं, वो बातें कर रहे हैं विधायकों के साथ। पीडीएफ का भी पूरी तरह से अपने फेवर में लेने की बात कही जा रही है कि पीडीएफ अगर कांग्रेस छोड़कर भाजपा के समर्थन में जाता है तो कितना उलटफेर हो सकता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में न्यू कंट्रोल मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है। 3 बजे से कैबिनेट की बैठक भी होनी है, तो उससे पहले पहले तमाम जो समीकरण बिगड़े हुए हैं उत्तराखंड कांग्रेस सरकार के उनको संवारने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बैठक जारी है। जी प्रीति, बिल्कुल अजीत, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को समझना होगा हरीश रावत को कि अगर वो गए हैं, चलिए आप बीजेपी पर आरोप लगा दीजिए, लेकिन जनता भी देख रही है कि किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है राज्य में, चाहे हम बात खनन को लेकर करें या फिर बात जमीन के सौदे को लेकर करें। आप नैनीसार में देखिए, वहां जिंदल ग्रुप के खिलाफ स्थानीय लोगों ने झंडा बुलंद कर रखा है। आप यहाँ पर वो स्मार्ट सिटी के लिए जो चाय बागान की जमीन थी उसको लेकर देखिए, उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण है। तो बजाय इसकी केवल इसको ये मुद्दा बनाएं कि देखिए आपने हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया, 9 विधायक देखिए आप अपने साथ दिल्ली ले गए जो गलत किया, कहीं ना कहीं आत्ममंथन भी तो करना होगा, इस बात को भी तो समझना होगा यहाँ पर अजीत मुख्यमंत्री को।
बिल्कुल प्रीति, आत्ममंथन बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के हालात उभरे हैं बीते रोज उत्तराखंड में, वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि कितना व्याप्त है भ्रष्टाचार उत्तराखंड में। और जो कल तक सरकार का हिस्सा होते थे मंत्री विधायक, वो कल रात से ही खुलकर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार में तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे उछले हैं जिनको लेकर उम्मीद नहीं थी। वो सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन अब उनको खुद आत्मग्लानी हो रही है कि वो किस सरकार का हिस्सा है। फिर चाहे वो FL2 की बात हो, चाहे खनन के मुद्दों की बात हो, स्मार्ट सिटी चयन की बात हो, या फिर नैनीसार में जो जिंदल ग्रुप को भूमि दी गई है बेहद ही कम लीज रेट पर, उसकी बात हो, तो तमाम ऐसे इश्यू हैं जिनको लेकर कांग्रेस के ही वो मंत्री जो अब बागी हो चुके हैं, वो विधायक जो बागी हो चुके हैं, वो भाजपा खेमे में जाकर तमाम आरोप मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगा रहे हैं। देर रात से आत्ममंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने सिपे सालारों के साथ बैठ के कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ एक घंटे से भी ज्यादा लंबी मैराथन बैठक हो चुकी है कि क्या कुछ किया जा सका है। किशोर उपाध्याय लगातार साथ बने हुए थे मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ, प्रेस वार्ता कर उन्होंने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है कि क्या कुछ बागी विधायकों के साथ किया जा सकता है। इंदिरा हृदयेश खुद साफ कर चुकी हैं कि संसदीय कार्यप्रणाली क्या कुछ कहती है, क्या कुछ विधायकों के साथ किया जा सकता है। उन्हें मौका दिया गया है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो नोटिस के अलावा उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आत्ममंथन के अलावा भी कांग्रेस के भीतर चल रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोशिश ये है कि किसी तरह सरकार पर जो संकट आया है वो टाल दिया जाए, उसके बाद आगे क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात हुई। फिलहाल इतना जरूरी है कि अभी वेट एंड वॉच का काम चल रहा है उत्तराखंड के भीतर। राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी अध्यक्षता में तमाम जो विधायक है उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ अब सोचना है, कहना है, और सरकार के साथ वो खड़े हैं तो किस हद तक खड़े हैं, क्या भाजपा की तरफ से उनको किसी तरह का प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है, या कांग्रेस में कुछ विधायक ऐसे तो नहीं है जो अभी भी टूट सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीज है जो अभी न्यू कंट्रोल मुख्यमंत्री आवास पर भीतर चल रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अजीत यहाँ पर जो विधायक चले गए उनसे आने के लिए तो कहा, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम भी समझ रहे हैं कि अगर उनको लौट के आना होता तो खुद इतना बड़ा कदम नहीं उठाते, क्योंकि अधिकतर परिपक्व विधायक, उसमें बहुगुणा की हम बात करें या फिर बात करें हरिहर सिंह रावत की, कुंवर प्रणव चैंपियन, बड़ी ताजुब की बात है कि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चुनौती है वो ये सुनिश्चित करने की भी है अजीत, की जो अब बच गए हैं, क्योंकि जो सियासत है उसका चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, पद की लालसा हर किसी को होती है, तो ऐसा नहीं है कि जो है वो बने रहेंगे, तो अब इनको रोकना और ये सुनिश्चित करना कि अब ये कम से कम नहीं जाएंगे, ये भी चुनौती सीएम के सामने है। बिल्कुल प्रीति, सबसे बड़ी चुनौती होगी जो 36 विधायक कांग्रेस के हैं और बाकी 6 पीडीएफ के बसते हैं, उनको अपने खेमे में बांधे रखना, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी मुख्यमंत्री हरीश रावत की। बीते रोज से ही मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हो, चाहे संसदीय कार्यमंत्री इंदिरा हृदयेश की बात हो, या फिर इसके अलावा किशोर उपाध्याय जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस के, उनकी बात हो, तो तमाम सभी लोग ये बातें जरूर कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि वो सरकार की पूरी तरह से सक्षम है अपने आप को साबित करने में कि विधानसभा के भीतर क्या कुछ हो सकता है। तमाम जो विधायक है कांग्रेस खेमे के वो उनके साथ एकजुट खड़े हैं। बाकी जो विधायक हो चुके हैं उनकी क्या स्थिति है, उनको लेकर भी स्थिति साफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो चुनौती बनकर उभरा है कि आखिर जो कांग्रेस के साथ हैं विधायक वो कितनी देर तक कांग्रेस का पाला थामे रहेंगे, क्योंकि जी तो अजीत कंबोज हमारे संवाददाता जो न्यू सीएम आवास के बाहर मौजूद है, क्योंकि अंदर यहां पर बैठक चल रही है और बाकायदा एक एक विधायक को वक्त दे रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि इस वक्त एक एक विधायक एक एक संख्या और संख्या बल के हिसाब से काफी संवेदनशील ये वक्त है, क्योंकि सरकार अपनी बचा के रखनी है तो एक एक विधायक को मनाकर रखना होगा। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो इस वक्त पार्टी के अंदर है, यानी कि जिन्होंने फिलहाल बगावत का झंडा हाथ में बुलंद नहीं किया है, वो कम से कम सरकार के साथ रहे। क्या उनसे किसी तरह का संपर्क बीजेपी कर रही है, क्या बीजेपी उन्हें तरह का प्रलोभन दे रही है, इस पर भी निगाह बनी हुई है मुख्यमंत्री हरीश रावत की। और इस तरह से वो अपने विधायकों को ये आश्वस्त करने में लगे हैं कि भाई देखिए यहां पर जो कुछ होगा वो सरकार के हित में होगा, आपके हित में होगा, इससे इस तरह से पाला बदलने की जरूरत नहीं है। सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सुदीप, यहां पर जिस तरह से इंदिरा हृदयेश से बातचीत आपने की, तो वो संख्या बल का जो उन्होंने एक कैलकुलेशन करके हमें बताया कि यहां पर अगर देखिए 9 की सदस्यता जाती है तो 61 बचते हैं, उसके बाद भी सुरक्षित है। तो कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, ये हम सब जानते हैं कि अधिकतर अगर हम राज्य के दिग्गजों की बात करें तो शायद हरीश रावत की टक्कर में कुछ ही नेता नजर आते हैं, ये हम सबको पता है, काफी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और उनसे आप जीत जाएंगे इतनी आसानी से ये अगर कोई सोचता है तो वो उसकी यहां पर कह सकते हैं कि गलतफहमी है। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि संघर्ष से निकल जाए। देखिए प्रीति, दो बातें महत्वपूर्ण है संख्या बल के आधार पर। जैसा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने साफ किया कि कांग्रेस सत्ता पक्ष पूरी तरीके से सरकार
के रूप में है, कोई संकट नहीं है। लेकिन जहां तक आपने हरीश रावत जी के बड़े कद की बात की, शायद प्रीति समझने की जरूरत है, उनका इतना बड़ा कद ही उनके मातहतों को नहीं समझ आया। और जहां तक बार बार ये बात आती रही कि न खाता न बही, जो हरीश रावत ने कहा वो सही, ये सारी वो चीजें थी जिन्होंने एक नाराजगी को बढ़ाया भड़काया। और आज शायद हरीश रावत इस बात को महसूस कर रहे हैं, जैसा मेरा सहयोगी अजीत काम्बोज न्यू बीजापुर कैंट से बता रहे हैं कि आज वो मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं कि जो नुकसान हुआ हुआ, अब कम से कम मैन टू मैन मार्किंग करके आगे के नुकसान को रोका जाए। स्थिति आज शाम तक और बेहतर स्पष्ट हो जाएगी प्रीति, लेकिन ये समझने की बिल्कुल जरूरत है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जो ये भगदड़ की नाराजगी की स्थिति पैदा हुई। मंत्री खाली पड़े हुए, मंत्रियों के पास काम नहीं है, और कई मंत्री ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कहने मात्र को मंत्री हैं। खुद इंदिरा हरदेश जी, खुद यशपाल आर्य, इन सब की नाराजगी समय समय जाहिर होती रही है। इस तरह के बयान देते हैं कि ना खाता ना बही, वो कहीं ना कहीं ये बता देता है कि पार्टी के अंदर आपका रवैया तानाशाहपूर्ण है। और ये शिकायत हरक सिंह रावत भी लगातार कर रहे थे, उनका कहना था कि एक तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार और उसके कुछ नमूने हम भी देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किसी की सुनी नहीं जाती, और हरीश रावत ने गाहे बगाए जब मीडिया में इस तरह से बयान दे दिया कि जो हरीश रावत कहे वही सही, तो अंदर कितनी ज्यादा नाराजगी लोगों में होगी समझा जा सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर बड़े मंझे नेता है तो जरूरी नहीं सकारात्मक ही चीजें हो, क्योंकि राजनीतिक में बहुत सारे दांव पे चलते हैं। तो ये चीजें आप समझिए कि सकारात्मक तरीके से भी कुछ इतर ये चीजें चली जाती हैं। तो वही है कि सारे हथियारों को अपनाकर अब हरीश रावत इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, ये यहां पर देखना होगा।